वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो फटाफट लिंक शेयर कर दो सबके साथ। चलो लेट अस बिगिन। इलस्ट्रेशन नंबर 3 डन था, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर आते हैं। आ जाओ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, चलो आराभा करते हैं। क्या आराभा करते हैं? कुछ भी मधुर है। यस गुड मॉर्निंग अनुभव, गुड मॉर्निंग मैकपी। यस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर। चलो लेट अस स्टार्ट, लेट अस बिगिन। आरंभ। अच्छा, बोला आराभा क्या होता है? चलो लेट अस बिगिन। ओके, इलेक्शन नंबर 4 पे आते हैं। आ जाइए। दलाल बैनर्जी एंड मलिक आर पार्टनर्स इन द फर्म विद द रेशियो 2:2:1। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 इज फॉलोज। ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व, कैपिटल दिया है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड। द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू टेक मिस्त्री एज पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज बाय 2500। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज बाय 2500। प्लस कर देता हूँ 2500, बराबर है। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शुड बी प्रोवाइडेड एट 10%। माइनस 10% आरडीडी क्रिएट करना है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एनहांस्ड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ाना है। ठीक है, ये प्लस 20%। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुडविल फिक्स्ड एट 15,000। एक्सक्यूज मी, गुडविल का वैल्यू इन्होंने फिक्स कर दिया 15,000 रुपीज। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। नहीं बोलते तब भी कर देते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:5:3:2। देखो, न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है भाई साहब। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों दिया है भाई साहब, क्या करना है बोलो। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों दिया है, बोलो जल्दी क्या करना है। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, बोलो जल्दी।
सैक्रिफाइस रेशियो, वेरी गुड। एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इंक्लूड 1000 ड्यू टू मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। ये कुछ अलग एंट्री है, देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी पेड बाय मिस्टर दलाल, ये मिस्टर दलाल ने पे की है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, बराबर है। देखो माइनस 1000 दलाल, 1000 दलाल ने पे कर दिया, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या मांगा है इन्होंने? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ मिस्त्री। आ जाइए बनाते हैं। ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, 7 to 8 लाइंस। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कितने हैं? 4। पार्टनर्स कितने हैं? 4। ऐसा कौन करता है भाई, 4-4 पार्टनर्स दिए हैं सर, 4-4 पार्टनर्स, क्या करें, दिया है सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई साहब। दलाल, बैनर्जी, मलिक, मिस्त्री, बैनर्जी, मलिक, मिस्त्री, डन। पर्दा, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है। पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे। पर्दा न शिको बे, पर्दा न कर दू तो अकबर मेरा नाम नहीं है, ऐसा वाला पर्दा। चलो अगला है आपका बैलेंस शीट। पर्दे के पीछे खिड़की है बेटे, और मेरी सामने वाली खिड़की में बैलेंस शीट भी बन गई मेरी। चलो फॉर्मेट डी के बोलो, फिर लेसन स्टार्ट करते हैं। यस
फॉर्मेट रेडी फॉर्मेट रेडी फॉर्मेट रेडी फॉर्मेट रेडी। वाह 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 अश्विन, वाह वाह, क्या अंतरा जोड़ा है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा आ गया। चांद सा कुत्ता बोलते हैं पांडुरंगा। चलो फॉर्मेट रेडी है, लेट अस बिगिन। देखिए सबसे पहले ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं है सर, तो आ जाइए ट्रेड पेबल सीधे बैलेंस शीट में लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे देखता हूँ मैं, कैपिटल, दलाल, बैनर्जी, मलिक और ये। ट्रेड पेबल कितना है 12,850। ठीक है सर, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है 1500 रुपये की, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 1500 रुपये। देखो बात ध्यान से सुनना बेटे, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो थी 1500 रुपये, उसमें से 1000 रुपये हो चुके हैं, 500 पेंडिंग है सर। सर बट ये पे किसने किया सर, ये पे किया गया है मिस्टर दलाल के थ्रू। तो आ जाइए सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आता है, फिर इनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं बाय जनरल रिजर्व, और फिर आएगा यहाँ पर बाय क्या था वो, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो 1000 रुपये दलाल भाई साहब ने पे कर दिए, बराबर है, बोला था क्लियर, यस डार्लिंग्स क्लियर्स, ओके सर लेट अस मूव फॉरवर्ड्स, डन डन। जनरल रिजर्व है सर 6500 का, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। जनरल रिजर्व, जस्ट अ मोमेंट, कैलकुलेटर बोल दिया, अनमोल अपना टुकड़ा खुद ढूंढो, दूसरे टुकड़ों पे नजर मत मारो, बेशर्म इंसान। कैपिटल दलाल 12,500। डन डन सर, डन डन, एसेस में आ जाइए। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ाना है, 25,000 इंटू 20% 5,000 होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आऊँगा, कौन सुबह सुबह परेशान कर रहा है भाई। बाय
क्या था वो? लैंड बिल्डिंग। पांच हजार से बढ़ा दिया, बराबर बैलेंस शीट में आओ। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, प्लस अप्रिसिएशन 30,000, डन। ये लगाया ना माइक रे, ये क्या है ये? देखो अभी बेटे अनमोल, जो टुकड़े मेरे पास है उनके लिए अभी तुम बड़े इमेच्योर हो, मेरे पास सारे एक्सपीरियंस टुकड़े हैं, समझे? फर्नीचर में नो चेंज, 6,500। जिसमें चेंज नहीं है उसे सीधा बैलेंस शीट में जैसे का वैसा लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? जैसा का वैसा। कैसे लिखूंगा? जैसा का वैसा। नो चेंज, जैसा का वैसा। ठीक है सर, नेक्स्ट। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स 11,750, 2,500 बढ़ा रही है। चौदह हजार 250। सॉरी, इन्वेंट्री 2,500 से बढ़ा दिए सर। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल ऑलरेडी है 5,500 पे। पाँच सौ पचास रिसीवेबल आ गया। फर्नीचर में 10% है, सॉरी यार देखा नहीं फिर मैंने। देखना भूल गए क्या अपन? फर्नीचर में भी 10% है। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, रियली वेरी वेरी सॉरी। डिप्रिशिएटेड बाई 10%। अच्छा6,500, 650 डेप्रिसिएशन, 2 फर्नीचर 650। यस ओके, पढ़ना रह गया था, भूल गया था, आई एम सॉरी। डन, चलो डन।
कैश इन हैंड है 140, कैश एट बैंक के 960। आ जाइए, ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट होगा बैंक में इसमें कर देंगे। नेक्स्ट, मिस्त्री टूवर्ड्स हिज कैपिटल 5000। आ जाइए, बैंक में ऐड कर देता हूँ 5000। बाय बैंक 5000, डन। थैंक यू मधुर बताने के लिए कि मैं इंसान हूँ। ठीक है, चलो, गुडविल का वैल्यू है 15000 रुपये, गुडविल का वैल्यू है 15000 रुपये, ठीक है। तो आ जाइए, सबसे पहले अपना काम है अभी कैलकुलेशन ऑफ व्हाट सैक्रिफाइस रेशियो। चलो, तुम्हारा काम है सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करके देना। दलाल, मलिक, सैक्रिफाइस इज ओल्ड माइनस न्यू। यस सर, ओल्ड रेशियो वॉज 2/5 माइनस न्यू रेशियो इज 5/5 3/2, 5 और 5 10 15, 5/15। सर, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड में सारे इनकम, ए नहीं नहीं नहीं, नहीं। सारे इनकम मतलब जो इनकम पेएबल है, जो भी चीज़ें पेएबल होती है पार्टनर को, पेएबल टू पार्टनर इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर इज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। मलिक का नो सैक्रिफाइस, दलाल है सैक्रिफाइस 1, थर्टी माइनस 25 अपॉन 75 बराबर 1:1:0। टोटल गुडविल 15000, मिस्त्रीज शेयर, मिस्त्री का शेयर कितना है 5:5:3:2 बराबर है। Therefore, मेस्त्रीज शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू
2000 बराबर ना, 15000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2, जर्नल एंट्री विल बी सैक्रिफाइसिंग सॉरी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दलाल कैपिटल टू मलिक कैपिटल, मिस्त्री से निकालेंगे कैपिटल से 2000, 1000 दे देंगे दलाल को, 1000 दे देंगे मलिक को जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। बोलो डन, रेड ओक डन, डन सर। बाय मिस्त्री कैपिटल 1000 टू दलाल कैपिटल 1000 नहीं नहीं एक मिनट सॉरी, बैनर्जी वो मलिक नहीं है, बैनर्जी है चलो डन है। अच्छा डन सर, देखिए तो डन 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 आ जाइए, रिवेल्यूशन अकाउंट क्लोज कीजिए, प्रॉफिट बताइए। वेरी गुड, टू बैलेंस कैरी डाउन। चलो अकाउंट्स क्लोज करो, 5000 माइनस 2000 3000, ये पे कितना आता है 5, 6, 6300, 1260। सारे अकाउंट्स क्लोज कर दो ध्यान से।
दलाल बनर्जी मलिक सिक्सटी वन वन फिफ्टी पे बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। परफेक्ट। एवरीबॉडी डन, एवरीबॉडी डन डन डना डन डन। डन, चलो बढ़िया, वेरी गुड। देखिए कॉम्प्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आप खुद से कर सकते हो बाय चांस, मुझे ये आपका होमवर्क रहेगा पूरा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है, कोई कोई एग्जांपल इसमें से नहीं समझ में आया है, तो ये हम कल सॉल्व कर लेंगे, कल मुझे बता देना लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आ जाइए, अगले इलस्ट्रेशन पे चलते हैं जिसका नंबर है, ये ख़त्म का ही नहीं होता बे, ये रहा। आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर सिक्स। गुडविल ऐड नहीं हुई अनुभव, कैश में थोड़ी आई है बेटे गुडविल। गुडविल उन्होंने बोला कि गुडविल का वैल्यू इज फिक्स्ड एट 15,000। अगर गुडविल कैश में आती तो मैंने जो एंट्री की है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वो नहीं करता बेटे मैं। आपको याद है पहला वाला मेथड, प्रीमियम फॉर गुडविल वाला मेथड, जहाँ पर कैश वॉज ब्रॉट इन फॉर गुडविल, वहाँ पर एंट्री हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड देन गुडविल टू पार्टनर्स। मैंने वो एंट्री नहीं की है यहाँ पर बेटे। कल मैराथन से पहले लेक्चर ज़रूर होगा, कल सुबह मेरा लेक्चर है, टुमारो मॉर्निंग माय लेक्चर इज देयर, डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग आल्सो माय लेक्चर इज देयर, इज वेयर इज देयर। कम ऑन लेट अस स्टार्ट। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन 3:1, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च। बेशर्मो ने ऐसी बैलेंस शीट दे दी, कैश ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री प्लान ट्रेड पेएबल बैंक ओवर ड्राफ्ट बीज कैपिटल एज कैपिटल, ठीक है। ऑन 1st अप्रैल दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, सी टू परचेस 1/3 ऑफ द गुडविल फॉर 2000, तो गुडविल ब्रॉट इन कैश है। प्रोवाइड 10,000 एज कैपिटल, कैपिटल का 10,000 लिखा है। गुडविल नॉट टू अपीयर इन बुक्स, ठीक है नहीं आएंगे बुक्स में, जाओ कोई दिक्कत नहीं, गुडविल ऐसे भी अपीयर नहीं होगा। फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड बाई ए बी सी इक्वली, सो ओल्ड रेशियो वॉज लेट्स कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। ए ओल्ड रेशियो था सर 3/4, 1/4, 0, 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। ये तो 1/3 नेगेटिव रहेगा, यानी कि गेन, ये देखो 3 3 9, 4 1 4, अपॉन 4 3 12, 3 1 3,
फोर वन जा फोर अपॉन थ्री जा ट्वेल्व, ठीक है। तो नाइन माइनस फोर इज फाइव अपॉन ट्वेल्व, यहाँ पर थ्री माइनस फोर इज वन अपॉन ट्वेल्व बट नेगेटिव, बेस इक्वल करने के लिए फोर अपॉन ट्वेल्व, क्लियर है यहाँ तक। देखो अब बात ध्यान से समझो, कौन सा इलस्ट्रेशन है, नाइस क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर सिक्स। बी इज गेनिंग, ये वाले क्वेश्चन में भी गेन कर रहा है, ये वाले क्वेश्चन में भी गेन कर रहा है, ठीक है। आ जाइए देखेंगे अगर आप, तो जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है फाइव, उतना ही ये दोनों गेन कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। जितना ए सेक्रीफाइस कर रहा है बी और सी, उतना ही गेन कर रहा है, हाँ सर। तो अभी देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, सबसे पहले फॉर सी इज गुडविल, सी ने तो गुडविल कैश में लाया सर, हाँ। तो एंट्री क्या आएगी सर, क्वेश्चन में बैंक दिया है कैश दिया है भाई साहब, कैश 1000 कैश दिया है सर, तो हम कैश में पैसा लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 2000। बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया नहीं तो उसे तो कुछ मिलेगा ही नहीं सर, हाँ बराबर है सर। डन फॉर बीज गेन, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, सबसे पहले कैलकुलेशन समझो, सबसे पहले कैलकुलेशन समझो बेटे, ठीक है। नाउ सीज शेयर इन प्रॉफिट कितना है, सीज शेयर इन प्रॉफिट एक शी शेयर इन प्रॉफिट नहीं, रुपीज 2000 फॉर फोर ट्वेल्थ शेयर, देयरफॉर बी इज गुडविल फॉर वन ट्वेल्थ शेयर कितना रहेगा सर, 500 बराबर है। कैसे आया सर, देखो सी का था 2000 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 12 डन, बोलो डन। और यहाँ पर बी तो पैसा कुछ ला नहीं रहा सर, नहीं ला रहा है सर, तो सीधी एंट्री क्या आएगी, गेनिंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो यहाँ पर आ जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 500 500 डन डन यहाँ तक। इसमें यही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बाकी और कुछ भी नहीं, बाकी वी कैन सॉल्व इट एज होमवर्क।
फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस शोड इक्वली, ठीक है, इड एंड डन। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%, 500 टू बी प्रोवाइडेड एस्टिमेटेड फॉर बैड डेट्स, इन्वेंट्री इज टेकन वैल्यूएशन ऑफ 24,940। By bringing in or withdrawing cash and capitals, A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing basis. Adjustment through capital. Adjustment through capital. 12th कहाँ से आया? 4/12 का उल्टा, 4/12 का उल्टा। टोटल निकालना होता है तो हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं बेटे। टोटल निकालनी हो डन, ठीक है, चलो बढ़िया। अब अगली चीज देखो, जो जो चीज बोली इन्होंने, सेट आउट द एंट्रीज फॉर द अबव अरेंज्ड फॉर्म्स जनरेट कैपिटल फॉर्म, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैपिटल अकाउंट देना है, टेबुलर फॉर्म में दे देंगे। चलो सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाओ आप लोग, फटाफट जर्नल का फॉर्मेट बनाइए, तुरंत तुरंत से जर्नल का फॉर्मेट बनाइए। जहां पर भी गुडविल कैश में नहीं आती बेटे, जहां पर भी गुडविल कैश में नहीं आती, वहां वहां पर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का, खत्म। इसके अलावा दूसरी एक ही एंट्री देखो आप, गुडविल वाला मेरा जो सेकंड लेक्चर था वो आप देखो, फर्स्ट लेक्चर मेरे ख्याल से एडमिशन वाला, उसमें आपको समझ में आ जाएगा बेटे। ज्यादा केसेस नहीं, सिर्फ दो ही केसेस है बेटे, ठीक है, विड्रॉ वाला। अरे वही तो मैंने पगले, चलो फर्दर प्रॉफिट लॉस, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो देखो, और आरडीडी 500, तो देखो इन्होंने एंट्री कर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5% एंड 500, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 900। चलो मेरे साथ सॉल्व करो फटाफट सब, ये यहीं पे सॉल्व करके खत्म करना है, होमवर्क नहीं है ये, होमवर्क नहीं है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने का एक कॉन्सेप्ट है, उसका प्यारा सा वर्किंग मोड बना के दिखा दूंगा आपको, आपको यू तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये डन, पहली एंट्री डन। चांद का डाउट है, चांद का क्या है सर, गुडविल बुक में नहीं दिखा रहा, तो बीएनसी डेबिट और ए क्रेडिट होगा ना शायद, नहीं ना बेटे चांद, वो देखो शुड नॉट अपेयर इन द बुक्स, मतलब क्या, वो बैलेंस शीट में लेकर नहीं आना है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने गुडविल क्रेडिट किया, गुडविल डेबिट किया, गुडविल चला गया, बुक्स में आया ही नहीं, ऐसा है, गुडविल क्रेडिट हुआ, गुडविल डेबिट हुआ और चला गया, खत्म।
चलो डन सर। इन्वेंट्री टू बी टेकन एट 24940, तो इन्वेंट्री को बढ़ाना है तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2940 बराबर। अगर आप देखेंगे 2940 का क्रेडिट, 900 का डेबिट, आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 2940 माइनस 900 2040। महेश खांडेकर आई गॉट 198 मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वेरी गुड बेटा। तो अब जी जान लगा के मेहनत करना है, उस 2 मार्क की कमी को भर के निकालना है। टारगेट रखो 250 प्लस का, आप तो बेटर पोजीशन में हो, आपकी पढ़ाई हुई है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है ना। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2040 बराबर है। खत्म डन। ओके ये भी एंट्री होगी सर। देखो यहां पर हम अलग एंट्री करने वाले हैं थोड़ी सी, ये हटा दो, ये हटा दो, यहाँ पर 10,000 और 10,000 करना। हम मिक्स नहीं करते, हम गुडविल को अलग रखेंगे, कैपिटल को अलग रखेंगे। कैश अकाउंट टू कैपिटल सीज कैपिटल 10,000 10,000, ठीक है। दिस विल बी योर फर्स्ट एंट्री सी से रिलेटेड। सेकेंड एंट्री, आपकी सेकेंड एंट्री यहाँ पर आ जाओ, ये वाली होगी। अब क्या करना है आपको, ये दो एंट्रीज करनी है, जो ये हमने फर्स्ट एंट्री कर ली, ये आपकी होगी सेकेंड एंट्री। ये दो एंट्रीज कर लो पहले, ये दो एंट्रीज कर लो। बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय सी, ये वाली एंट्री के बाद आ, पहले ये एंट्री होगी, ये एंट्री होने के बाद, ये नहीं कर रहे हम लोग। इसके बाद आएंगे यहाँ पर, बींग गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय सी, बींग गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय सी। बींग गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय सी, बींग गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय सी। फिर दूसरा ये वाला एंट्री आ जाएगी फिर आपकी, गुडविल टू एज कैपिटल, बींग गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रीफाइसिंग पार्टनर, बींग गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रीफाइसिंग पार्टनर, बींग गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रीफाइसिंग पार्टनर। और उसके बाद आएगी ये एंट्री, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज गेन एडजस्टेड बाय बीइंग बीज गेन एडजस्टेड, बीइंग बीज गेन एडजस्टेड। आ गई सारी एंट्रीज, डन। बोलो क्लियर यहां तक, ये हो गया सर। अब ये लास्ट वाली एंट्री जो है, ये वाली देखनी है। अब इन्होंने क्या कहा, इनके जो कैपिटल्स है ना भाई साहब, इनकी रेशियो में एडजस्ट करके दे दो हमें। क्या करो, इनकी रेशियो में एडजस्ट करके दे दो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो आ जाओ, वैसे तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोला ही था आपको, तो आप एक काम करो, यहां पर आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो।
बींग के बाद बींग बीज गेन एडजस्टेड, बींग बीज गेन एडजस्टेड, ठीक है, समझ गया कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड अश्विन, वेरी वेरी गुड, ठीक है बढ़िया। अच्छा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का कैपिटल है 15, बी का है 10, बी ए का कैपिटल 15,000, बी का कैपिटल 10,000 सर, ठीक है। इसके बाद बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, कितना कितना दिया हमने यहाँ पे देख लेता हूँ, वन फाइव थ्री ज़ीरो और 510, वेरी गुड अश्विन। तो वहीं तो कैलकुलेट करना है उनको, ज़्यादा जो है वो देना है तो वो कौन से बेसिस पर देना है, कितना ज़्यादा है कैसे पता चलेगा। हाँ ठीक है, चलो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया सर। इसके बाद और क्या आ गया सर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया सर, हाँ बाय कैश, हमारे सी भाई साहब दस हज़ार का कैपिटल लेकर आए, ठीक है सर। इसके बाद बाय गुडविल, सी का शेयर मिलेगा 2000 ए को, बाय बीज अकाउंट 500 टू एज अकाउंट, बी ने दिया 500, खत्म यहां तक। डन है यहां तक, यस सर। नाउ पार्टनर्स कैपिटल के बाद, अब देखो ध्यान से सुनो, मेरे पास एक शॉर्ट मतलब एक समझाने के लिए कर रहा हूँ बस आपको मैं, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000, यहाँ पर आ जाएगा 10,510, यहाँ पर आ जाएगा 15,000 प्लस 1530 प्लस 2,000, सॉरी ये 10,010 ही आएगा, 10,010, हाँ ये 15,000 1530 2,500 19,030, ठीक है बेसिकली हम यही करते हैं। अब ध्यान से सुनो, बट इनका कहना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,030 10,010 और 10,000, ये है क्या, ये है क्या कैपिटल है सर, ये क्या है सर, ये कैपिटल जो एग्जिस्टिंग है, बट इनका कहना है कि सी के बेसिस पर जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बनाऊँगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल्स
एज पर न्यू पीएसआर ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सीज कैपिटल। तो आ जाओ देखो, सीज शेयर इन प्रॉफिट्स इज 1/3, बराबर। सीज कैपिटल इज इक्वल टू 10,000, देयरफॉर इज इक्वल टू सीज कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूं कि अगर 1/3 का कैपिटल 10,000 है तो कैपिटल होना चाहिए सर 30,000, डन। टू थाउजेंड साइड नहीं आया क्या? क्या 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 समझ नहीं आया बेटा मुझे, 2000 का समझ नहीं आया मुझे कुछ। कल मैंने पूरा एडमिशन ख़त्म कर लिया, वाव, पर मुझे वो दलाल वाली एंट्री समझ नहीं आई, 1000 वाली। उसमें क्रेडिट को क्यों किया, दलाल को उसमें पेमेंट किया, तो दलाल ने पेमेंट किया ना बेटे, हमारी तो लाइबिलिटी पे ऑफ करनी थी, तो हमारी लाइबिलिटी पे ऑफ दलाल ने कर दी। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप लाइबिलिटी पे करते हो तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश में करता हूँ एंट्री 1000 1000, बट सर यहाँ पे लाइबिलिटी तो कम हुई है, बट पैसा हमने नहीं दिया, फिर किसने दिया? दलाल ने दिया, तो हमें दलाल को देना पड़ेगा, ये लो दलाल अकाउंट। तो हमारी लाइबिलिटी पे हुई है, तो दलाल ने वो पे किए, तो हमें तो दलाल को पे करने पड़ेंगे ना, क्या भूल जाएंगे पैसा? अगर मेरी बिहाफ पे तुम पेमेंट कर दो और तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊं, तो चलेगा क्या? नहीं, इसीलिए। क्लियर? चलो कैपिटल आ गया 10 10 10, ठीक। तो देखो यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आया आपके वर्किंग नोट से, 10,000 10,000 और 10,000, बराबर है। अब बैलेंसिंग फिगर की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश, ये पेमेंट करनी पड़ेगी 19,030, यानी कि इसको पे करने पड़ेंगे 9,030 और इसे पे करने पड़ेंगे 10। तो आपका एंट्री क्या बन गया, देखिए, ए अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है। सर रिलेशन नंबर 4 में डाउट है, बैलेंस शीट में कैश एट बैंक में न्यू पार्टनर का कैपिटल को ऐड करते हैं, तो डाउट क्या है इसमें? ऐड करते ही है ना बेटे,
ऐड किया भी तो है हमने 5000 का, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज यहाँ पर। तो देखिए आपकी एंट्री क्या बन गई। तो इन शॉर्ट अगर मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ, नहीं चांद सही हम रखो ना, काहे तुम्हें गड़बड़ काहे करनी, रुको ना। 19,000 का आपका कैपिटल है, बट आपका कैपिटल होना चाहिए सिर्फ 10,000। 10,000 का 10 का कैपिटल है, आपका कैपिटल होना चाहिए 10,000। यहाँ पे 10 का 10 बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो सर ये जो एक्सेस कैपिटल है ये हम फिर से लौटाने वाले हैं ए और बी को, ए और बी को हम लौटाने वाले हैं। तो सर यहाँ पर हम एक और एंट्री करेंगे, देखिए ये वाली आ जाएगी आपकी एंट्री, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 9,030 और 10। क्लियर, 9,030 और 10, बोलो डन। यहाँ तक क्लियर है, सब सबका हुआ है क्या वो बताइए। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल में कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल में कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबका, बोलिए मुझे। बोलो डन, डन, एवरीबॉडी डन, एवरीबॉडी डन, बोलो मुझे फटाफट फटाफट। यहाँ तक सब डन है क्या, बोलिए। कैपिटल में चेंजेस दिखाने जा रहा हूँ वो देखना है। एग्जाम में हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इतना समय एग्जाम में होता नहीं है बेटे। डन डन, डन, हाँ बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले एडजस्टमेंट करने से पहले अकाउंट क्लोज कर दिया, एडजस्टमेंट करने से पहले अकाउंट क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि देखो ए का कैपिटल 19,000 है, बी का कैपिटल 10,010 रुपये है और सी का कैपिटल 10,000 है। बट हमारे वर्किंग नोट के हिसाब से कैपिटल कितना आना चाहिए, सर ए का कैपिटल आना चाहिए 10,000। तो मैंने बोला 19,000 है, 10,000 होना चाहिए, तो 9,000 एक्स्ट्रा है तो उसे पे कर देंगे, ठीक है सर। बी में भी सेम हुआ, 10,010 रुपये का कैपिटल है, मैंने कहा सिर्फ 10,000 का कैपिटल चाहिए, तो आपने बोला 10,000 उसे भी लौटा देंगे, बट सी का कैपिटल परफेक्ट था सर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये किया है, बट हम एग्जाम में ऐसा करेंगे कि सर एग्जाम में ये नहीं करेंगे बेटे। हाँ, अगर आपको ईजी लगता है, आपको ऐसा लगता है कि सर इसमें गलतियाँ होने के चांसेस कम है ऐसे से, तो आप ये कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखो क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ इसके अंदर। बेटे ये हमारी परिस्थिति थी, ठीक है, ये हमारी परिस्थिति थी पहले एडजस्टमेंट से पहले। तो देखो मैंने क्या करना है, अब यहां पर मैंने यहां पर सीधे लिख देना है टू बैलेंस कैरीड डाउन 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है। कहां से आया सर, वर्किंग नोट से आया सर। अब यहां पर आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर टू कैश, ₹9,030, ये 10, बोलो यहां तक डन। अब समझ में आया सबको, ये शॉर्टकट तरीका है। हम क्लोज करेंगे फिर वर्किंग नोट बनाएंगे, नहीं, हम ऐसे ही रखेंगे और वर्किंग नोट से सीधा अमाउंट आपका यहीं पर आ जाएगा। और ये जो अमाउंट है, ₹10,510 आएगा लक्षिता, ₹10,510 कैसे आएगा बेटे, ये देखिए ना बेटे, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 10,510 में से माइनस 500 भी तो होगा ना, है ना, ऐसे क्यों कर रहे हो आप, बोलो मुझे। लक्षिता टोकी, समझ में आया कि बेटे,
बोलो डन, एवरीबॉडी डन 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 डन, वेरी गुड, ठीक है, चलो बढ़िया, ओके, सो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर, है ना, आपका 9:30 को विनीत सर का लेक्चर होगा मैथ्स का, बराबर है, रीशफलिंग की गई है, तो 9:30 को अभी आपका मैथ्स का लेक्चर होता है, सो वी विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर, थैंक यू एवरीवन, वी विल मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन एवरीवन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, एंड यस कल मेरा लेक्चर रहेगा, कल मेरा लेक्चर रहेगा, ठीक है कृष्णकांत, डन, चलेगा। डन डना डन 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 डरा, बाय 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 बाय, हाँ हाँ 9:30 का विनीत सर का लेक्चर कल भी हुआ था, बेशर्मो ऐसे मुंह मत बनाओ, हैं, यस वी विल बी मीटिंग टुमारो अगेन, मैराथन में अभी तो कुछ टॉपिक्स मेरे ख्याल से नवनीत सर ने लिए हैं, कुछ टॉपिक्स मैं लूंगा, नेक्स्ट वीक पता चलेगा बेटा आपको, ठीक है, ओके, सी यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, विल बी मीटिंग टुमारो, बाय बाय, बाय बाय।